लेकिन जब बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम पे जिन्ना से एक ऐसी गलती हुई और यही बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से जिन्ना और नेहरू जी दोनों इंडिया ब्रांड के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पिटीशन को बीजेपी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे अपोज किया था और सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि अगर हमारी वजह से नेम चेंज कर रहे हो तो भैया बिल्कुल मत करो, हम तो एक मीटिंग करेंगे, इंडिया की जगह भारत कर देंगे। देखिए, देश का जो नाम बदलना है वो ऐसा नहीं है कि बस लेटर हेड पे नाम लिखा और बदल दिया। जिन्ना काफी गुस्सा हो गए थे जब उनको इस चीज के बारे में पता चला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सबको वहीं पर रोक दिया। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी वर्जन है उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया। देखिए, आज भी हम में से कुछ लोग समझते हैं कि इंडिया जो नाम है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, जो कि गलत है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि इंडिया और भारत दोनों नामों में से एक्चुअल नाम कौन सा यूज होना चाहिए, लीगल स्टेटस क्या है इन दोनों का। जब ये दोनों नाम रखे जा रहे थे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुए और क्यों सिर्फ यही दोनों नाम रखे गए। जिन्ना को क्यों बुरा लग रहा था जब हमने इंडिया नाम यूज किया, ऐसा क्या फायदा हो रहा था उस टाइम पे इंडिया नाम रखने से जो जिन्ना और नेहरू जी दोनों इसके पीछे पड़े हुए थे। और ये जो इंडिया वर्सेस भारत का करंट इश्यू चल रहा है वो है क्या, ये सब आज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम रखने के पीछे असली वजह क्या है और ये नाम आए कहां से। भारत इंडिया वर्सेस भारत की बात पर बोले हैं जयशंकर। इंडिया दैट इज भारत व्हिच इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख दिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। देखिए, सिंधु नदी, इंडिया और भारत के नाम को लेके मल्टीपल स्टोरीज हैं, लेकिन एक स्टोरी जो है उसको सबसे ऑथेंटिक माना जा सकता है क्योंकि उसका आज की डेट में भी रिटन प्रूफ है ऋग्वेद के मंडल 7 और मंडल 10 में। अभी बताऊंगा मैं आपको आगे, तो थोड़ा सा वैदिक एज में जाना पड़ेगा हमें। देखिए, ये है सिंधु नदी जो तिब्बत से निकल के पाकिस्तान वाले एरिया से होते हुए अरब सी में गिरती है, फिर ये यहाँ से झेलम नदी निकलती है, फिर यहाँ से चेनाब नदी निकलती है और ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, और फिर ये निकलती है यहाँ से रावी नदी और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से निकलती है ब्यास नदी और सतलुज जो है वो यहाँ से निकलती है। ये पांचों मिलके सिंधु नदी में मिल जाती है और ये साइड से यहाँ से आती है सरस्वती नदी। तो ये टोटल मिलके 7 नदियां हैं। अब ये यहाँ पे हरियाणा और पंजाब के पास में एक एरिया था और इस एरिया को सप्त सिंधु कहा जाता था। ये जो सप्त सिंधु का रीजन है इसको लेके अलग अलग थ्योरी है, तो एक्चुअल एरिया कौन सा है इसको लेके हर जगह पे आपको कंफ्लिक्ट मिलेगा, इसलिए रफली आपको मैं दिखा रहा हूं। अब क्योंकि यहां पे 7 नदियां हैं और सिंधु को मेन नदी माना गया तो इस एरिया को सप्त सिंधु कहा जाने लगा। और सप्त सिंधु जो एरिया था यहां पे एक ट्राइब रहती थी, यानी कि जनजाति रहती थी, उसका होमलैंड था ये और उस ट्राइब का नाम था भारता। और इस भारता ट्राइब के जो राजा थे वो थे राजा सुदास। तो ट्राइब जो थी उसका नाम था भारता और जियोग्राफिकल एरिया जहां पे ट्राइब रहती थी उसको बोला जाने लगा सप्त सिंधु। ये चीज याद रखिएगा, यहां से ही इंडिया और भारत दोनों के नाम निकलते हैं, अभी आगे बताऊंगा आपको। अब इसके बाद होता क्या है कि अराउंड 14th सेंचुरी का टाइम था और इस भारता ट्राइब के ऊपर वेस्ट की तरफ से पुरु ट्राइब थी एक, उसने 9 और ट्राइब के साथ मिलके, यानी कि टोटल 10 ट्राइब एक साथ मिलके इन्होंने भारता ट्राइब पे हमला कर दिया। ये बहुत ही फेमस लड़ाई है, इसको बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 7th मंडल में जैसा लिखा है वैसा ही स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूं। तो ये जो लड़ाई हुई ये रावी नदी के पास में हुई, लेकिन हुआ क्या इसमें कि इस लड़ाई में सप्त सिंधु किंगडम के जो भारतास थे उन्होंने इन 10 ट्राइब्स को एक साथ हरा दिया। और इनको हराने के कुछ दिन बाद ईस्ट के एरिया में अजस, सिग्रुस और यक्षुस को भी हरा दिया। तो इस तरीके से काफी एरिया आ गया था भारत ट्राइब्स के पास और इन्होंने इंडिया का पहला एम्पायर बनाया जिसमें जियोग्राफिकली ये एम्पायर सप्त सिंधु नाम से फेमस हुआ और जो इनकी ट्राइब यानी कि इस एम्पायर के लोग थे वो भारता नाम से फेमस हुए। तो उस टाइम पे एक रिचुअल फॉलो किया जाता था। उस रिचुअल में यह था कि जो राजा जीत जाता था वो एक यज्ञ करवाता था, अश्वमेधा यज्ञ, जिसमें एक यज्ञ करवा के एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। उस घोड़े के साथ काफी सिपाही भी रहते थे। जिस एरिया में वो घोड़ा जाता था वो एरिया उसका हो जाता था और अगर कोई राजा इसके अगेंस्ट में खड़ा होता था तो उसको इन सिपाहियों से लड़ना होता था। इस यज्ञ का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो यजुर्वेद में है, तो शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं। तो भारता ट्राइब के जो राजा थे उन्होंने ये यज्ञ करवाया और ऐसा करके सप्त सिंधु किंगडम बहुत ही तेजी से फैलने लगा। उस टाइम पे होता क्या था कि जो भी राजा जीतता था वो हारी हुई जो ट्राइब रहती थी उनके ऊपर अपना ट्रेडिशन, अपनी सोच, अपने देवी देवताओं को थोप देता था। लेकिन भारत ट्राइब के जो राजा थे राजा सुदास, उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि जितनी भी ट्राइब को हराया सबको एक साथ लेके अपना ट्रेडिशन, अपनी सोच, अपने देवी देवताओं को थोपने की बजाय सारी ट्राइब जिसमें हारी हुई ट्राइब भी थी उन सब के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो नॉलेजेबल लोग थे, उनकी नॉलेज, पूजा करने का तरीका, इन सारी चीजों को जोड़ के इकट्ठा किया और वेदास बनाए। अब क्योंकि अपना ट्रेडिशन किसी को नहीं छोड़ना था और अपने देवी देवताओं की जो पूजा वगैरह थी वो कर सकते थे, तो ये जो एम्पायर था इस एम्पायर के साथ बहुत सारी ट्राइब्स आके जुड़ी और
एम्पायर बहुत तेजी से फैला और इस पूरे एम्पायर के जो लोग थे वो भारतीय कहलाने लगे और जो लैंड था वो सप्त सिंधु कहलाने लगा। ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ जो अभी आगे आने वाला है ये मैंने लैंड ऑफ सेवन रिवर करके एक बुक है उससे लिया है। अभी जो ट्राइब थी ये जो एम्पायर था इसके लोग तो अपने आप को भारतीय मानते थे लेकिन जियोग्राफिकल लोकेशन जो थी उसको सप्त सिंधु कहा जाता था। तो जो बाहर के लोग थे वो सिंधु नदी के इस साइड जो लोग रहते थे उनको सप्त सिंधु नाम से जानते थे। अब इसके बाद होता क्या है कि जो पर्शियंस थे उनके साथ दिक्कत ये थी कि वो एस को एच की तरह बोलते थे इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट में सप्त सिंधु जो था वो हप्त हिंदू बोला जाने लगा। और इस पूरी कहानी का जो कॉन्फर्मेशन है अगर आप ईरानी रिलीजियस टेक्स्ट बुक जो है अविस्ता उसको देखोगे तो उसमें भी हप्त हिंदू है और आगे चल के जो हप्त हिंदू है ये शॉर्ट में हिंदू नाम से ज्यादा फेमस होने लगा और इसी हिंदू से कई लोगों ने हिंदुस्तान भी बोला। अब इसके कुछ टाइम बाद ये जो वर्ड है हिंदू ग्रीक ने इसको यूज किया। अब ग्रीक के साथ दिक्कत ये थी कि वो एच बोल ही नहीं पाते थे और उनके अल्फाबेट्स में प्रॉपर यू तक नहीं था इसलिए हिंदू जो नाम था वो आगे चल के बोला जाने लगा इंडूज और फिर इसी इंडूस की जो आगे चल के लैटिन फॉर्म बनी वो इंडिया बनी। तो सप्त सिंधु पर्शियंस एस नहीं बोल पाते थे तो हप्त हिंदू बना फिर ग्रीक्स के पास जो एच और यू की दिक्कत आई तो इंडूस बना और फिर इसकी लैटिन फॉर्म जो थी वो इंडिया बनी। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया और भारत वर्ड जो है वो दोनों एक ही जगह से निकले हैं। तो ये जो पूरा आइडिया ऑफ इंडिया है ये किसी बाहर वाले ने नहीं दिया था बल्कि मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से हुआ था और इसको ब्रिटिशर्स ने भी नहीं दिया था। ब्रिटिशर्स ने भारत की जगह इंडिया वर्ड यूज किया था लेकिन उन्होंने ये नाम दिया नहीं था खुद से। इसमें एक स्टोरी अगर आप और सर्च करोगे तो वो भी मिलेगी जिसमें ये है कि इसी ट्राइब से आगे चल के राजा भरत आए और ये क्षत्रिय डायनेस्टी के बहुत ही सक्सेसफुल राजा माने जाते थे। इन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका म्यांमार ईरान के एरिया को एक सिंगल रूल के अंदर कंबाइन करने का काम किया था। तो ये जो इतनी बड़ी जमीन इन्होंने एक्वायर की थी इसको भारत वर्षा भी कहा जाता था मतलब कि राजा भरत की जो जमीन थी उसको एज अ सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट किया गया। तो ये जो कहानी है ये भी इसका एक्सटेंडेड वर्जन मानी जाती है। इसके बाद अलेक्जेंडर ने जब 3rd century BC में इंडिया को इन्वेट किया तो इंडस नाम फेमस हुआ भारतीयों का। 18th century में जब मुगल्स आए तो हिंदुस्तान वर्ड जो है वो फेमस हुआ और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिश इंडिया बोला जाने लगा। अब ब्रिटिशर्स के 200 साल राज करने के बाद टाइम आता है बंटवारे का और इस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया जो नाम था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका था। लेकिन जब बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम पे जिन्ना से एक ऐसी गलती हुई और उस गलती के बारे में आज भी पाकिस्तान में बात होती है। बंटवारे के टाइम पे जिन्ना ने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा और ये अज्यूम कर लिया कि नेहरू जो है वो अपने देश का नाम भारत ही रखेंगे क्योंकि पूरे संस्कृत बुद्धिस्ट जैन स्क्रिप्चर्स हर जगह भारत का ही नाम था इंडिया नाम कहीं भी मेंशन नहीं था और जिन्ना ये सोच रहे थे कि नेहरू कभी भी इंडिया अपने देश का नाम नहीं रखेंगे। एक तरफ पाकिस्तान होगा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान होगा। इस अजम्पशन की वजह से शुरू में कोई भी बहस नहीं हुई लेकिन नेहरू जी ने माउंटबेटन जो थे उनसे पहले से ही बात कर ली थी इंडिया नाम को लेके। अब होता क्या है कि सितंबर 1947 की डेट थी करीब आजादी से एक महीने बाद की बात थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक आर्ट एग्जीबिशन था उसका ऑनररी प्रेसिडेंट बनने के लिए इनवाइट किया और एक बढ़िया सा इनविटेशन कार्ड भेजा और उस इनविटेशन कार्ड पे लिखा था यह एग्जीबिशन डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की है। अब यह देख के जिन्ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि हिंदुस्तान या भारत की जगह नेहरू ने इंडिया नाम ले लिया है। और इसके बाद जिन्ना तुरंत माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से हिंदुस्तान ने इंडिया वर्ड को अडॉप्ट कर लिया जो मिसलीडिंग है और ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। ये चीज माउंटबेटन ने ऑफिशियली भी कही है कि जिन्ना काफी गुस्सा हो गए थे जब उनको इस चीज के बारे में पता चला था। अब आप कहोगे कि इंडिया नाम में ऐसा क्या था जो जिन्ना और नेहरू जी दोनों लेना चाहते थे। देखिए इतने साल हो गए थे इंडिया नाम की एक हिस्टोरिकल सुप्रीमेसी कायम हो गई थी। इंडिया एक ब्रांड बन चुका था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की एक हिस्टोरिकल लेगेसी बन चुकी थी इस नाम की। और नेहरू जी का इंडिया नाम अडॉप्ट करना और जिन्ना का पाकिस्तान नाम रखना ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा गया जैसे पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है जबकि जिन्ना ये चाहते थे कि इंडिया नाम जो है वो कोई यूज ना करे ताकि ऐसा लगे कि दो देश सेम टेंजेंट पे अलग हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि पाकिस्तान एक बड़े देश इंडिया जिसकी इतनी पुरानी लेगेसी है उससे अलग होके बना। और इस नाम का एक एडवांटेज भी था कि जहां जहां पे ब्रिटिश इंडिया नाम और टाइटल यूज हुआ था इंडियन आर्मी से लेके यूएन तक वो सब इंडिया नाम से रिप्लेस हो गया था। ब्रिटिश इंडिया अब इंडिया बन चुका था इस तरीके का मैसेज गया था। और जिन्ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई ब्रांड है KFC मान लेते हैं उसका जो ओनर है वो अपने एक बेटे को KFC देता है अपने दूसरे बेटे को ऐसे ही DRB नाम से एक ब्रांच खोल के दे देता है तो लोग तो KFC को ही जानते हैं ना इसीलिए दूसरा बच्चा कह रहा है कि ये KFC जो नाम है या तो मुझे दे दो या फिर किसी को मत दो। जिन्ना ने यहां तक कह दिया था कि ये जो इंडिया नाम है ये सप्त सिंधु से बना है इसकी जो मेन नदी सिंधु है ये पूरी की पूरी पाकिस्तान से होके गुजरती है तो लॉजिकली भी इस नाम पे पाकिस्तान का हक होना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यही रीजन है कि पाकिस्तान आज की डेट में भी कह रहा है कि अगर इंडिया भारत नाम चेंज करवाएगा यूएन में तो इंडिया नाम हम ले लेंगे। और ये जो सारी चीज मैंने आपको भी बताई है ये सब आपको बुक एक है इंडिया अ हिस्ट्री बाय जॉन की
इसमें सब मिल जाएगा। और पेज 56 और 58 में से ज्यादा चीजें उठाई है मैंने। अब देखिए, नाम जो था वो नेहरू जी ने ले तो लिया था, लेकिन इस नाम को किस तरीके से यूज किया जाएगा इस पे भी फैसला होना था। और इसके बाद डेट आती है 17th of September 1949, और इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में देश का नाम लिखा जाना था। तो उस दिन 17th of September 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 1 का फाइनल वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया, जिसमें भारत और इंडिया दोनों नाम थे। उन्होंने आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 के लिए मोशन मूव किया, जिसमें यह था कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मोशन मूव करने का मतलब है कि प्रस्ताव रखना कि आर्टिकल 1 जो है उसमें यह लाइन होनी चाहिए कि इंडिया दैट इज भारत, और फिर उसके बाद उस पर बहस होती है और सारे लोग अगर एग्री करते हैं तो उस आर्टिकल 1 में ये लाइन ऐड हो जाती है। तो देखिए, उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का हर डॉक्यूमेंट, डिस्कशन, हर वर्ड जो बोला गया और रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा गया, ताकि आगे चल के अगर लोग किसी उसमें फंसे, किसी दुविधा में फंसे, तो ये सारे डिस्कशन जो है उससे समझ सकें कि क्या क्या रीजन रहे होंगे ये नाम रखने के पीछे। और ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़िएगा। बहुत ही लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ था कि नाम क्या होना चाहिए और इसको कैसे लिखना चाहिए, कॉमा कहां होगा, इंडिया पहले आएगा कि भारत क्या आएगा, ये सारा डिस्कशन उसमें है। तो डिबेट होती है उसमें, और इंडिया दैट इज भारत ये वाला जो मोशन था वो यूनैनिमसली, यानी कि बिना किसी अपोजिशन के पास हो गया, किसी ने भी इसके खिलाफ वोट नहीं किया, और ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंट के आर्टिकल 1 में ऐड कर दी गई। लेकिन ये जो पूरा डिस्कशन हुआ था उस टाइम पे बहुत ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग था, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो जैसे डिस्कशन शुरू होता है उसमें जनता पार्टी के HV कामत जी, इन्होंने कहा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका नया नामकरण होता है, ऐसे हमारा नया देश बना है तो हमारा जो देश है इसका नाम भी भारत, भारतवर्ष, भारत भूमि या भारतीय, इस तरीके कुछ होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी कुछ लोग भी कह रहे थे कि हिंद या फिर हिंदुस्तान होना चाहिए। तो इस चीज पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सबको वहीं पे रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये सब जो बातें आप कर रहे हैं कहीं और इंटरेस्टिंग लग सकती हैं, लेकिन अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो इंडिया और भारत पे चल रहा है, तो नाम इंडिया या भारत होगा उस पे बात कीजिए। इसमें कांग्रेस के गोविंद दास जी थे, उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत तो ठीक है, लेकिन इसकी जगह भारत दैट इज नोन एज इंडिया इन फॉरेन ये होना चाहिए। उन्होंने इसमें यह भी कहा कि भारत माता जय की नारे लगा के हम लोगों ने आजादी की लड़ाई की है, तो ऐसा रहेगा तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा भारत दैट इज इंडिया ये होना चाहिए, जो आप पहले इंडिया लगा रहे हो ये गलत है। बहस तो बहुत देर तक हुई वोटिंग के टाइम पे, लेकिन सबने इंडिया दैट इज भारत इसके लिए एग्री कर गए, और एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने इसके अगेंस्ट में वोटिंग की। और उस दिन के बाद से ज्यादातर ये हुआ कि हिंदी में अगर कुछ लिखना होता था तो भारत वर्ड यूज होता था, और जब इंग्लिश में कुछ लिखा जाना था तो उसमें इंडिया वर्ड यूज हुआ। अगर आप पासपोर्ट देखो, कोई लेटर है प्रेसिडेंट का, या फिर इंडियन करेंसी देखोगे, जहां भी हिंदी लिखा हुआ है वहां पे भारत लिखा हुआ है, और जहां पे इंग्लिश है वहां पे इंडिया लिखा हुआ है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी वर्जन है उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया, और इंग्लिश वर्जन में इंडिया दैट इज भारत। तो इस चीज को हम लोग एक अनसेड कम्युनिकेशन में फॉलो करते आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उस दिन से आज तक भारत और इंडिया, ये जो दोनों नाम है, कोई भी यूज किया जा सकता है। अब भारत और इंडिया का जो नाम है इसको लेके 2016 तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मार्च 2016 में एक PIL दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दो। इस PIL को चीफ जस्टिस TS ठाकुर और जस्टिस UU ललित ने सुना, और PIL सुन के जिसने पिटीशन डाली थी उसको एक तरह से फटकार लगाई। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि कोई अथॉरिटी, कोई स्टेट हो, कोई कोर्ट हो, किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो ये तय करे कि किसको क्या बोलना चाहिए। लोग अपनी मर्जी से ये तय कर सकते हैं कि उनको भारत बोलना है या फिर इंडिया। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पिटीशन को BJP गवर्नमेंट ने उस टाइम पे अपोज किया था, और सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं बदले हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके देश का नाम बदलने के बारे में सोचना पड़े। इसके बाद 2020 में फिर से पिटीशन डाली गई, लेकिन इस बार क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही मना कर दिया, तो वो बात भी आई गई होगी। अब इसके 3 साल बाद, यानी कि 2023 करंट सिचुएशन में आते हैं, तो जून 2023 के बाद आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि 28 पॉलिटिकल पार्टीज पटना, बैंगलोर, मुंबई में 3 मीटिंग करती हैं और एक अलायंस बनाती हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस दैट इज इंडिया। और इसका पर्पस ये था कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें ये लोग मिलके लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन 31 अगस्त 2023 को पार्लियामेंट मिनिस्टर जो है वो एक ट्वीट करते हैं, और उस ट्वीट में लिखा था कि इस बार सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है, और उसकी जो डेट होगी वो 18th of September 2023 से
22 ऑफ सितंबर 2023 तक रहेगी। अब देखिए, जब तक कोई बड़ा मुद्दा ना हो, पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन है ऐसे लाया नहीं जाता है। कुछ ही महीने में रेगुलर पार्लियामेंट्री सेशन जो है वो भी होने वाले थे, तो अचानक से इस ट्वीट के बाद ट्रेंड चलने लगे ट्विटर पे, मीडिया में हल्ला होने लगा, डिस्कशन होने लगे, डिबेट होने लगे। किसी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, किसी ने यूसीसी की बात की, और अलग अलग गेस करने लगे लोग। और ज्यादातर लोग ये गेस कर रहे थे कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसी की वजह से स्पेशल सेशन जो है वो रखा गया है। अब 31 अगस्त को ये ट्वीट आता है और 9 से 10 सितंबर तक G20 होना था। तो जब G20 होता है तो जितने भी इंडिया के नेता होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनविटेशन भेजते हैं। अब क्योंकि इनविटेशन जो है वो प्रेसिडेंट भेज रहे हैं तो उनका नाम भी उस इन्विटेशन कार्ड में होता है। तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो इन्विटेशन लेटर भेजा था वो आउट हो गया था, और उसके आउट होते ही वायरल हो गया वो इन्विटेशन जो था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था उसमें, और सब में हल्ला हो गया कि कोई वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, ये लोग ये जो स्पेशल सेशन है इसमें देश का नाम ही चेंज कर देंगे। और मोदी जी जब G20 में बैठे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस टेबल के ऊपर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था, तो इस पे और हल्ला होने लगा। अब इस पे ऑपोजिशन ने यह कहा क्योंकि हमने अभी हाल ही फिलहाल में इंडिया नाम से एक अलायंस बनाया था, उसकी वजह से ये लोग इंडिया का जो नाम है वही चेंज कर देंगे। और साथ में ये भी कहा कि अगर ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप भारत नाम चेंज करोगे तो हम जो अपने अलायंस का नाम है भारत कर देंगे। तो एक ट्वीट और एक इन्विटेशन लेटर जो था उसकी वजह से पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत होना चाहिए। इस पे दोनों तरफ से अलग अलग तरीके से डिबेट शुरू हो गई कि आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत लिखा है तो इसका मतलब दोनों नाम यूज हो सकते हैं, किसी ने कहा नहीं इंडिया यूज होगा, अलग अलग डिबेट शुरू हो गई। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत है, अगर हिंदी वर्जन देखोगे तो भारत अर्थात इंडिया, ये दोनों नाम इंटरचेंज होके बड़े आराम से यूज हो सकते हैं, जिसका जो मन करे वो यूज कर सकता है। लेकिन दिक्कत तब आती है अगर कोई ये कहे कि सिर्फ इंडिया ही नाम होना चाहिए या फिर ये कहे कि सिर्फ भारत ही नाम होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने ये सोच लिया कि इंडिया को पूरी तरीके से हटा के भारत करना होगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने होंगे, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो बड़े आराम से ये चेंज हो सकता है। मतलब कि इंडिया पूरी तरीके से हटके उसका नाम भारत हो सकता है, लेकिन उसके लिए करना क्या क्या होगा? देखिए, उसके लिए गवर्नमेंट को आर्टिकल 1 में अमेंड करना होगा, एक बिल लाना होगा, लेकिन ये जो बिल होगा ये नॉर्मल बिल की तरह पास नहीं होगा। तो होता क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करने हैं तो आर्टिकल 368 के हिसाब से दो तरीके होते हैं। तो पहला सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट और दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट। मान लो अगर कोई नया स्टेट बनाना है या फिर किसी स्टेट की राज्यसभा की सीट है उनको बढ़ाना है तो ये सब एक सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट जो है उससे हो जाता है। इसमें बस इतना चाहिए होता है कि 50% पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट के केस में क्या होता है, 2/3 यानी कि 66% पार्लियामेंट के लोग सपोर्ट में होने चाहिए। तो अगर भारत नाम रखना है तो ये दूसरा वाला स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट ये चलेगा, मतलब कि 66% पार्लियामेंट सपोर्ट में होना चाहिए। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि देश का नाम जब भी चेंज होगा तो उस केस में आधे जो स्टेट हैं उनका भी अप्रूवल चाहिए होगा। ये सारी चीजें देख के पाकिस्तान भी इसमें घुसा। पाकिस्तान की हिस्टोरियन है आयशा सिद्दीका, इन्होंने कहा कि अगर इंडिया ऐसा करेगा तो पाकिस्तान की एक लंबी जो इच्छा है ना उसका नाम इंडिया रखने की वो पूरी हो जाएगी। और इधर इंडिया एयरलाइंस के जो नेता है वो भी ये कह रहे हैं कि अगर हमारी वजह से नेम चेंज कर रहे हो तो भैया बिल्कुल मत करो, हम तो एक मीटिंग करेंगे, इंडिया की जगह भारत कर देंगे। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली कंट्री होगी जिसने अपने देश का नाम चेंज कर दिया है। 1989 में बर्मा ने म्यांमार कर दिया अपने आप को, जनवरी 2020 में हॉलैंड के दोनों नॉर्थ और साउथ रीजन को नीदरलैंड में मर्ज कर दिया गया था। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर ने जो श्रीलंका है अभी उसका नाम सिलोन कर दिया था, बाद में उसको चेंज करके फिर से श्रीलंका कर दिया गया। 1935 में पर्शिया की सरकार ने पर्शिया को ईरान बुलाया, द फ्रेंच रिपब्लिक अपने आप को फ्रेंच कहलाता है। लेकिन नाम तो बहुत बार चेंज हुए हैं, लेकिन इसके साथ-साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बहुत बड़ी-बड़ी कंट्रीज हैं उनके जो नाम है वो भी उनकी कंट्री के नाम नहीं है, वो नाम भी उनको दिए गए हैं। जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ये इनके ओरिजिनल नाम नहीं है, इनको जिन्होंने कॉन्कर किया था उन्होंने ये नाम दिए थे। तो देखिए, इंडिया का जो नाम है वो चेंज तो हो सकता है, लेकिन अगर नाम चेंज होता है तो उस केस में दिक्कत क्या क्या आएगी? देखिए, कंट्री का जो नाम है वो एक ब्रांड की तरह वर्क करता है, और रिसर्चर जो है इसको कंट्री ब्रांड इक्विटी से कैलकुलेट करते हैं। फिलिप कॉटलर और डेविड, इनके रिसर्च पेपर के हिसाब से एक कंट्री का जो नाम होता है वो किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाता या घटाता है। जैसे कि हम अगर कोई मेड इन स्विट्जरलैंड का प्रोडक्ट खरीदें तो उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो मेड इन पाकिस्तान की ब्रांड वैल्यू जैसी नहीं होती है। तो कंट्री का जो नाम है वो एक ब्रांड की तरह बन जाता है, और जो उस कंट्री के प्रोडक्ट्स होते हैं
उन प्रोडक्ट्स को बाकी देश में हेल्प करता है और कस्टमर के जो परचेजिंग डिसीजंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। जब लोग किसी देश का नाम लेते हैं तो उससे उन लोगों के मन में उस देश की जो इमेज होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और ये लोगों के परचेज करने के, इन्वेस्ट करने के, ट्रैवल करने के और किसी देश में जाके बसने के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए जब भी किसी कंट्री का नाम चेंज होता है तो उसकी इकोनॉमी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हर चीज पर असर पड़ता है। आर्मी की यूनिफॉर्म से लेके करेंसी तक हर चीज बदलनी पड़ती है। और जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उनका ये कहना है कि जो कंट्रीज नाम चेंज करती हैं, ये उन कंट्रीज के लिए सही रहता है जिनकी बदनामी हुई हो, लेकिन जो बड़े और अच्छी इमेज वाले देश हैं, वो जब नेम चेंज करते हैं उनको नुकसान होता है। और यही रीजन है कि जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका जिन्होंने इनके ऊपर रूल किया, उन्होंने ही ये नाम दिए उनको, लेकिन उसके बाद भी इन बड़ी कंट्रीज ने वो नाम चेंज नहीं किया। इनफैक्ट मैं अगर इंडिया का भी एग्जांपल लूं तो बंगाल जो है उसके पार्टीशन हुए कितने साल हो गए, जो ईस्ट बंगाल था वो आज की डेट में बांग्लादेश हो चुका है, लेकिन इंडिया वाला जो वेस्ट बंगाल है वो अभी तक उसने अपना नाम चेंज नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। नाम जब चेंज होता है तो इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे चेंज होता है, और इंडिया के अंदर नाम चेंज करना बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशंस में से एक है। अलग अलग लैंग्वेज की वजह से हर लैंग्वेज में इसको चेंज करना पड़ेगा। नाम जब बदलना होता है तो कई सारे कामों में पैसा खर्च करना होता है, मैप्स को अपडेट कराना होता है, नेविगेशन सिस्टम जो होता है वो अपडेट होता है, अलग अलग ऑफिसेज में यूज किए जाने वाले जो कागज वगैरह होते हैं उनको बदलना होता है, इसके अलावा प्राइवेट बिजनेसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स, इनका भी खर्चा होता है। एक कंट्री के नए नाम के साथ ब्रांड बनाने में सेम वही दिक्कत आती है जैसे एक कंपनी के ब्रांड बनाने में आती है, जैसे वो मैंने केएफसी वाला एग्जांपल दिया था, और यही बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से जिन्ना और नेहरू जी दोनों इंडिया ब्रांड के लिए लड़ रहे थे। और ये बात भी सच है कि जो जोश भारत माता की जय बोलने में आता है, भारत वर्ड यूज करने में आता है, वो अलग होता है, उसकी फीलिंग अलग होती है, इससे हमारा कल्चर भी प्रमोट होता है, इससे हमारी हिस्ट्री प्रिजर्व रहती है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ एक कॉस्टिंग भी जुड़ी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, देश का जो नाम बदलना है वो ऐसा नहीं है कि बस लेटर हेड पे नाम लिखा और बदल दिया, ये सब काम छोटी मोटी कंट्रीज तो कर लेती हैं, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जिसका इन्फ्लुएंस आज की डेट में काफी तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए काम आसान नहीं होगा और काफी महंगा सौदा भी होगा। 2018 में अलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया था, तो गवर्नमेंट के जो एस्टिमेट्स के हिसाब से ही स्टेट गवर्नमेंट को इसमें 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। 2018 में एक अफ्रीकन कंट्री थी स्वाजीलैंड, इसने अपना नाम चेंज करके स्वातिनी रख लिया था। साउथ अफ्रीका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर डैरेन ओलिवर ने इसको एक कॉर्पोरेशन से कंपेयर करके कितना पैसा लगा एक देश को नेम चेंज करने में उसको कैलकुलेट करने का एक मॉडल बनाया। इस मॉडल के हिसाब से एक बड़ी कंपनी की एवरेज मार्केटिंग कॉस्ट उसके टोटल रेवेन्यू की 6% के आसपास होती है और जो रीब्रांडिंग कॉस्ट है वो ओवरऑल मार्केटिंग बजट का 10% हो सकती है। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल को उठा के आउटलुक मैगजीन ने इंडिया नाम चेंज को एनालाइज किया और उनके हिसाब से इंडिया का नाम बदलने में कम से कम 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इंडिया की टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है वो 2022 से 2023 में 23.84 लाख करोड़ रुपए में थी, तो इस मॉडल को अगर हम लगाएं तो उसके हिसाब से 14,034 करोड़ तो कम से कम खर्चा होगा। थैंक यू।